गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ये फर्स्ट ईयर होम साइंस की क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम यौन शिक्षा विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, यौन शिक्षा सेक्सुअल एजुकेशन क्या है? हम देखते हैं कि हमारे जीवन की चार अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है बाल्यावस्था, फिर आती है आपकी शैशवावस्था सबसे पहले, फिर बाल्यावस्था, फिर आती है आपकी किशोरावस्था, फिर आती है प्रौढ़ावस्था बाद में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अवस्था है इसका नाम है किशोरावस्था। बालक शैशवावस्था में जो सीखता है वह उसमें धीरे धीरे क्या है, परिवर्तन आता है उसके व्यवहारों में। वह धीरे धीरे चलना फिरना उठना बैठना सीखता है। वह बालक शैशवावस्था में पराश्रित रहता है, यानी कि दूसरों पर डिपेंड पर रहता है। फिर धीरे धीरे वह बाल्यावस्था में आता है तो उसे अपने होने का या खुद के प्रति प्रेम, या जैसे कि वह देखा जाता है बच्चे स्वयं से कितना प्रेम करते हैं, उनको खेलना, खुद में मस्त रहना, खुद से ही बातें करना, खेलना बच्चों के साथ, सिर्फ यही तक उनका सीमित रहता है। धीरे धीरे वह और बढ़ते हैं, सीखते जाते हैं, उनके व्यवहारों में परिवर्तन होता जाता है। अच्छा, व्यवहारों में परिवर्तन होना ही शिक्षा है। वास्तविक में शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ ही है व्यवहार में परिवर्तन। तो जब बच्चा आगे चलकर जब वह 12 से 18 के बीच आता है तो ये एज आ जाती है उसकी किशोरावस्था की। इस अवस्था में उसके जो परिवर्तन होते हैं तो वह उसके व्यवहार में तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसके जो शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे वह स्वयं ही चकित रहता है। चकित का मतलब वह सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या मुझे क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो उस समय बच्चे में जो परिवर्तन होता है वो सेक्सुअली परिवर्तन होता है, लैंगिक परिवर्तन होता है। इस दौरान बच्चे को यौन शिक्षा देना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चे के शारीरिक परिवर्तन उसे डरा भी सकते हैं, उसको जो है गलत वे में भी ले जा सकते हैं। इस दौरान वह क्या करते हैं, बच्चे दूसरों से चर्चा करने में या दूसरों से बात करने में सहमते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, हमें अपने इस दौरान क्या है ना, वह अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडशिप में या अपने बड़ों के साथ, बड़े बहन हो, लड़कियां हैं तो बड़ी बहन है, यदि लड़के हैं तो अपने बड़े भाई हैं, उनसे चर्चा करते हैं और वही उनको, लेकिन वो अपने से बड़े यानी कि माँ बाप हैं उनसे तो डरते हैं। जैसे लड़कियाँ हैं तो घर में जो भाभी होगी, चाची होगी, उनसे बात करते हैं कि भाभी ऐसा हुआ, चाची ऐसा हुआ, अब क्या करें। तो अधिकतर खुल के लड़के किससे बात करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों से। तो कहा गया है, M.A. बैगलो ने कहा है कि यौन शिक्षा का तात्पर्य किशोरावस्था में चलने वाली उस संवेगात्मक शिक्षा से, क्योंकि यहाँ यौन शिक्षा की बात हो रही है, तो संवेगात्मक शिक्षा से है जो बालक बालिकाओं को काम प्रवृत्ति से संबंधित ज्ञान प्रदान करके उसे समाज द्वारा स्वीकृत, समाज द्वारा स्वीकृत, ये सब आया है कि माध्यमों द्वारा संतुष्टि करने के उपायों को बताकर उसे सामाजिक जीवन की जीने की सही रूप सिखा सके। तो यौन शिक्षा का तात्पर्य यहाँ पे ये है। समाज द्वारा स्वीकृत माध्यम क्या कहलाते हैं? देखिए, वैसे तो समाज में हम कहीं भी, मतलब कोई लड़की XYZ किसी भी XYZ लड़के से मिलती है, बात करती है, किस अवस्था में, इस किशोरावस्था में। आपने देखा होगा बच्चे जब छोटे होते हैं बाल्यावस्था में तो वो ग्रुप में खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, छोटे होते हैं कहते बच्चे हैं ग्रुप में खेल, सब मिल के खेल लेते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। वो आकर्षण जो है वो स्वयं नहीं चाहते लेकिन फिर भी होता है, तो यानी ये नेचुरल है, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं। तो ये नेचुरल चीजें होती हैं जो हर बच्चे के साथ होती हैं, हर लड़का हो या लड़की हो। तो इस दौरान उनको सही दिशा निर्देश, सही शिक्षा उन्हें सही दिशा में ले जाती है और गलत शिक्षा गलत संगत में
गलत रास्ते पर ले जाती है। तो ये समाज इसीलिए बना दिया गया है कि हम इस अवस्था में जो कुछ भी कार्य करें तो यदि हमें यौन शिक्षा होगी तो हम गलत कार्य करने से बच जाएंगे। और समाज हमें नियम बताता है, समाज में कहा गया है कि शारीरिक संबंध, कौन से संबंध? शारीरिक संबंध, शारीरिक संबंध यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये कब जायज है? विवाह के बाद। कब? विवाह के बाद। शारीरिक संबंध कब होने चाहिए? विवाह के बाद। तब तो क्या है ये, तब क्या होगा? ये समाज द्वारा स्वीकृत माध्यम है विवाह। विवाह को बताया गया है कि यदि विवाह के बाद यदि शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो लोग कोई आपत्ति या उंगली नहीं उठाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है ये प्राकृतिक है। इसमें कोई ये नहीं है कि यदि ये कोई रिलेशनशिप बनाता है तो कोई अप्राकृतिक चीज है, लेकिन हमारे जो माध्यम है समाज में रहने के लिए सामाजिक लोगों को ये नियमों का फॉलो करना होता है। और यदि इससे बाहर कोई जो जाता है तो उसको उसकी अवहेलना की जाती है और लोग उसको गलत ठहराते हैं। अतः यौन शिक्षा सिर्फ शारीरिक संबंधों को नहीं बताती है, यौन शिक्षा बताती है कि हमें अपने प्रति, यहाँ पर आपको संवेदनात्मक शिक्षा भी बताया गया है। संवेदनात्मक शिक्षा, संवेद क्या है? संवेद है हमारे इमोशन, इमोशन हम देखते हैं कि हमारा एक किसके साथ हमारा मन लग रहा है, बैठने में सहेलियों में किसके साथ नहीं लग रहा है, कौन हमारी फीलिंग समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, हम अपने सुख दुख की बात किससे कह सकते हैं फ्रेंकली और किससे नहीं कह सकते हैं, तो वो हमारे इमोशन हैं। तो संवेदनात्मक शिक्षा ठीक ढंग से यदि दी जाए तो हम क्या है यौन शिक्षा के जरिए अपने आप को ठीक से संभाल सकते हैं और डरेंगे। जैसे लड़कियों की बात करें, लड़कियों की क्लास है हम देखेंगे होम साइंस में, तो हम समझा सकते हैं अच्छे से कि लड़कियों को जैसे उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन का मतलब है कि वह मंथली पीरियड से आना और उनके फिजिकली डेवलपमेंट यानी फिजिकली उनमें परिवर्तन होना। तो और लड़कों के चेंजेस क्या होते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, उनके चलने का स्टाइल और बोलने का तरीका, उनमें ईगो स्टिक अहम की भावना जा जाती है और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आई एम अ डॉन, मैं किसी से नहीं डरता, कुछ भी कर गुजरने की भावना उन्हें आ जाती है। ये कब आती है? इस एज में, कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही ना कर पाए लेकिन वो दिखावा जरूर करते हैं, वही लड़कियों में दिखावा, तो वो दिखावे की ओर जाते हैं। ये एज ही है, एज एज के इफेक्ट है जो लड़के लड़कियों में होते हैं। तो ये शिक्षा यदि हमें यौन शिक्षा सही समय पर सही तरीके से दी जाए तो बच्चा अपने आप को सही तरीके से सही रास्ते पर ले जा सकता है। तो शिक्षा का तात्पर्य, शिक्षा का उद्देश्य है किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों को यौन शिक्षा के द्वारा सुदृढ़ मजबूत बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, और आगे की क्लास में हम इससे होने वाले जो परिवर्तन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।